तो अभी हम दूल्हे मियाँ के साथ ही हैं। इनका नाम है मनोज उर्फ केशव उर्फ मेरे मैंने प्यार से नाम दिया है मन्नू, जो मुझे बहुत पसंद है। चलिए शुक्रिया। तो भाई बेटा मन्नू जॉन बहुत पड़ा। आपका असली नाम क्या है? असली नाम क्या है? जिस नाम से बुलाया जाता है वही नाम असली है। नहीं, जो आपके कागजों में लिखा है वो असली है। केशव, केशव, ये है केशव। तो बेटा केशव, आपका विवाह तय हो गया है, कुछ रस्में भी हो गई हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? कितने खुश हो? बहुत बोरिंग टाइम है। अच्छा लग रहा है। बहुत बोरिंग टाइम है ये। बोरिंग? क्यों, तुम्हें कोई उत्साह नहीं है मन में? नहीं नहीं, कोई उत्साह नहीं है, जबरदस्ती बिठा दिया जाता है। तुम्हें पता है तुम्हारा ये स्टेटमेंट कहां तक जाएगा, ये तुम्हें पता है? दूर तलक जा सकता है। इसलिए वो बात करो जिससे अगर कन्या ने सुन लिया तो तुम समझ सकते हो कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो इसलिए आप जरा अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करें। कंट्रोल कर। दबाव में शादी हो रही है। हाँ, ये दबाव में शादी तो नहीं हो रही। हाँ, ये बताइए। आपको किसी ने धमकाया तो नहीं? लग रही पटवाई है जी, जे इंटरव्यू पूरा कराया हुई पटवाउन करा दिया, इनके दबाव में तो ना हो रही है, बता दे। हाँ, दबाव इन्हें को दबाव है। ये तो भाई आपको ही लपेट रहे हैं, आपने दबाव डलवाया है। नहीं, दबाव इसलिए बनवाया कि हमारे लिए भी आराम हो जाएगी, जो जाए करो हम बैठ रही करो। नहीं तो इसीलिए शायद आपने दबाव डलवाया हो कि आपको आराम हो जाए। नहीं, दबाव मैंने पूरा डाला है, डलवाया नहीं है। ये ऑनलाइन स्क्रिप्ट होगी, कोई बात नहीं, हमारी कहीं तक जाए, हमारी कोई बात नहीं, हमारा तो लाइसेंस बना हुआ है, लेकिन तुम्हें अभी खतरा है। एनीवे, तो अब कल मुख्य समारोह है। हाँ हाँ, आपका जुलूस निकलेगा। जुलूस जुलूस ही होता है, जुलूस ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या क्या तैयारियां की हैं वो जरा बताएं। अभी तैयारियां कुछ हुई नहीं है हमारी तरफ से, नहीं मतलब कपड़े पैदल जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, घोड़े पे जाएंगे, ये सारी तैयारियां तो आपने करी होंगी। अच्छा, ये हमारे जिम्मे है, तो आपके मामा जी ने इस बारे में कुछ सोचा है? नहीं, बग्गी कर ली है। पक्की? हाँ, और बरातियों के लिए घोड़े मंगवाए। सबके लिए एक एक या सब एक घोड़े के पीछे बांध दिए जाएंगे और एक घोड़ा खींचता हुआ चला जाएगा? नहीं, सबके लिए एक एक। नहीं, ये क्लैरिफाई करना जरूरी है। नहीं, सबके लिए एक एक। सबके लिए एक एक है या एक के लिए सब है? तुम्हारे जिम्मे बन जाएंगे। हाँ हाँ, हमारे जिम्मे बन जाएंगे, हम लेके आएंगे, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? घर के जीसु भाग ले रोड पे, बैठन की दम राखो। ये पुलिस वालों तो एक जा सकता दूसरा है, सवाल जा है, कहीं जाए बेटा केशव, कह रहे हो ये बात, दूसरों की शादी में तुम बहुत नाचते रहे हो, बहुत जम के ठुमके लगाए हैं। अच्छा, अपनी शादी में भी ठुमके लगाने का दिल करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। क्यों? अरे शादी तो शादी है, आदमी भूल जाता है उस वक्त मेरी है कि पराई है। लगा लेंगे लोग अपनी शादी में भी उतर के ठुमके लगाते हैं। बिल्कुल सही। मामा जी कुछ कहेंगे इस पे? मामा जी तो नहीं, भांजा नाचेगा लेकिन जो है वो दिल में रखता है। अब इस समय खुल के कैसे कह दे मैं कैसे नाचूंगा क्या करूंगा। हाँ हाँ, बट नाचेगा पक्का, नाचेगा पक्का। और अगर नहीं नाचे तो जबरदस्ती नचवा भी देंगे। चलो चलो, ऐसा लग रहा है मुझे, प्रभावशाली प्रभावशाली व्यक्ति है। नहीं, कल नाचे छत पर। अच्छा, ऐसा भी था क्या? हाँ, कल तो ये खबर मेरे मुझ तक क्यों नहीं पहुँचाई गई? आप जो है वहाँ कुछ ज्यादा ही थे, हम इधर कम थे। अच्छा अच्छा अच्छा, चाचा नाचे कल? हाँ भाई, ऐसा सुना था मैंने, लेकिन मैंने वो पल बड़े मिस किए। चलिए, तो और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस इतना ही, बाकी कल के बाद कहेंगे। कल के बाद कहेंगे। चलिए, आपका एक और दौर का इंटरव्यू होगा इसके बाद, तो तब तक जी फाइव स्टूडियो की तरफ से आपको धन्यवाद, बहुत बहुत हमारे साथ रहने के लिए। चलिए सर, शुक्रिया जी। आपका नाम? रजनी मिश्रा। रजनी मिश्रा जी, आप कहाँ से हैं? बरेली। बरेली से? संगदार हुई। हम तो मिश्रा ही लगाते हैं। चलिए, हाँ चलो, अच्छी बात है, जो दिल करे वो लगाइए, आजाद मुल्क के आजाद नागरिक हैं सब, ठीक है। तो रजनी जी,
आपका आपके पति ये यही है ना सुनील कुमार जी। जैसे ये तो फरीदाबाद में रहते हैं, आप कह रहे हैं आप बरेली रहती हैं, ये तो फरीदाबाद हो रहा है। तभी तो कह रहा दोनों साथ बात, तुम भी आ जाओ। हाँ जल्दी आओ, अब ठीक है, अब ठीक है। तो रजनी मिश्रा जी, आपको इस शादी समारोह में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, कैसा रहा आपका अभी तक का? अभी तक का बहुत अच्छा रहा। अच्छा एक बात बताइए, आप हाउसवाइफ हैं या नौकरी पेशा हैं? नहीं, हाउसवाइफ। अच्छा अच्छा, हाँ आप बताइए आपका अनुभव कैसा अभी तक रहा? और बहुत अच्छा रहा, आपने किस किस चीज़ और गाना भी गाए, घूमे फिरे, मस्ती करी। ओके, आपने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया यहाँ पे ये सारे फंक्शन में? क्या क्या आपने कंट्रीब्यूट किया, मतलब खाने पीने के अलावा? खाने पीने के अलावा, हाँ उसमें तो सहयोग किया ही आपने, इसके अलावा? गाना बजाना और सब कुछ, मतलब यही सब। अच्छा आपको क्या गाना पसंद है? गाना क्या पसंद, सभी पसंद है गाने। आप कोई लोकगीत आता है आपको? कोई आता है, आप एक लोकगीत सुनाइए। लोकगीत सुनाओ। कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल बल मेरा एतबार कर लो। आप फिल्मी गाना गा रहे हैं, आप कोई देसी गाना सुनाए? लोकगीत नहीं आता, ढोलक वाला ढोलक, ढोलक मंगवाए अपने बरेली में, चलते बजाना नहीं आता है। अरे चलिए आप गा दीजिए फिर, क्या कर सकते हैं जी। नहीं मुझे नहीं, लोकगीत नहीं आ रहा है। अच्छा लोकगीत नहीं आ रहा है भाई आपको? लोकगीत आपने भी फिल्मी गाना ही गाया था जी। हम तो लोकगीत कैसे गा सकते हैं, हमें लोकगीत तो आता ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं, बन्ना सुना है? हाँ बन्ना सुना, वो भी लोकगीत ही होता है। बन्ना बनी बन्ना धीरे चलो ससुराल गलियां, बन्ना रे चलो ससुराल गलियां, बन्ना का समारेंगी बोई सकियां, बन्ना रा समारेंगी बोई सकी, जिनके होंठ रसीले नसीली अखियां, बरना धीरे चलो ससुराल गलियां। बहुत बढ़िया, तालियां हो जाएं रजनी मिश्रा जी के लिए, बहुत अच्छा गाना गाया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी रिक्वेस्ट मानी इसके लिए, थैंक यू। तो अभी शादी में शरीक होने के लिए हमारे बीच में कुछ और मेहमान आ चुके हैं, तो एक बार उनसे मिल लेते हैं। गुप्ता जी तो पहले से परिचित हैं, तो अभी इधर आपका नाम? योगेश कुमार शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार, आप किसे? बहुत अच्छा लगा आप आया, और विशेषकर आपसे मिलकर। अच्छा अच्छा, आपके बाजू में ये एक बालक है, क्या नाम है भाई? हैं बेटा सुब्रत श्रोत्री। सुब्रत चौधरी। अच्छा, और ये तुम्हारा नाम? मधुसूदन शर्मा। ओके, किसकी शादी में आए हो? अपने भैया की। क्या नाम है उसका? मनोज। नहीं केशव। हाँ भाई, एक देखो यहाँ पर, भैया आपका क्या नाम है? ये तो अपने से कुश्ती लड़े जा रहे हैं। चलो हाँ भाई, क्या नाम है? चलो हाँ जी, वो मैं। आपका नाम? अशोक कुमार शर्मा जी। आप दूल्हे के क्या लगते हैं? अरे फूफा लगते हैं, तो बड़ी देर लगाई आपने बताने में, सोचना पड़ेगा। कोई शक था क्या? नहीं शक नहीं था। अच्छा चलिए, यहाँ पर भी कुछ प्राणी हैं। हाँ भाई, तुम्हारा क्या नाम है? सुमन। हाँ,
तुम दूल्हे के क्या लगते हो? हम दूल्हे की बुआ। अच्छा। और ये नीरज शर्मा हैं? नीरज शर्मा। नीरज शर्मा जी। अरे वाह। और ये हो चुके हैं तो ये अभी अभी नए नए मेहमान आए हैं तो अभी शादी का के फंक्शन में शामिल होंगे। अभी थोड़ा वक्त है इसलिए फुर्सत के पल हैं। तो ये हो रहा है, उबटन लगाया जा रहा है। हाँ नहीं नहीं जैसे करते। अरे एक मिनट रुको, इधर से निकलो। तो इस उबटन का क्या मतलब होता है? हैं? तब क्यों लगाते हैं? अरे ये तो मालूम होना चाहिए ना। अच्छा तब इसके बाद क्या होगा? अभी नहाएंगे? अच्छा उसमें क्या होता है? चलिए वो तो देखेंगे अभी जब होगा तो। ठीक है तो ये उबटन का कार्यक्रम समाप्त हो गया है जी। तो अब दूल्हा जो है धीरे धीरे अब तैयारियों की तरफ तैयारी कर रहा है और इसके बाद अब अगला कार्यक्रम होगा तो आगे देखते हैं जी। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? सतीश चंद मिश्रा। सतीश मिश्रा जी, जी अभी आप किस रस्म के लिए यहाँ पे हैं? भांजे की शादी में है। नहीं नहीं वो तो है, मतलब अभी जो होने जा रहा है वो अभी क्या होने जा रहा है? अभी मंडप कार्यक्रम चलेगा। मंडप का कार्यक्रम? मंडप ये है जी। तो ये कई दिन पहले बनाया गया है जी। काफी सुंदर लग रहा है। ये सामने बहनोई है हमारे। आपके बहनोई है जी। और ये एक तूली चीट ले आओ, तू अंगूर कितनी लंबी तूली चीट। इन्हें पहचानते हैं? लला इधर रख दो। इतनी लंबी छोटी छोटी कहाँ देख रहे हो? बोला बोला कहाँ? पंडित जी इतनी छोटी थी देखा चीट है। अरे सिलाई वाली तेरी बहुत तेरी होती कत्ल है कहाँ जा रही है जो चीजें। पंडित जी अभी जो रस्म होने जा रही है इसके बारे में कुछ बताओ, क्या है ये, किस लिए की जाती है? भात, मतलब क्या उद्देश्य है इसका? क्या उद्देश्य है, किस लिए पहनाया जाता है? ये खुशी में। खुशी में जी। क्या करेंगे इसमें? मतलब कपड़ा पहनाया जाएंगे बस जी। नाम तो भात है, भात में कपड़े, भात कहाँ है? भात है वो कहो जात, पुरानी रिवाज है। हाँ तो दे दिया। अच्छा अच्छा भात दे दिया। भात दे दिया है तो कपड़ा कार्यक्रम हो रहा है। अच्छा तो अभी ये तैयारी जो आप कर रहे हैं बताशे हैं ये खिलाए जाएंगे और अच्छा ये खिलाए जाएंगे ये कपड़ों का फोटो ले कपड़े पहनाए जाएंगे कपड़े अभी बुद्ध पहनाते भी खींचना। हाँ हाँ वो ठीक है। चलो भाई इधर जा, खड़े जा परवा मंगलम भला इधर आओ। तो ये रस्म शुरू हो चुकी है, पंडित जी मंत्रोच्चारण शुरू कर चुके हैं। वो ब्राह्मण हिताय चार जगत हिताय कृष्ण हाय गोविंद हाय नमो नमः। हां हां ठीक बढ़िया। लला आजा की पत्री करते ले रुक जा रुक छुपिया ले और उन्हें बना देना पत्री और दो ठीक ठीक एक है लला जी जी। माननीय सदस्यों का टीकाकरण हो रहा है। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम गणपतजा, मंगलम पुत्री काक्षा, मंगलाय तनूरी, ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो वा व्यास मरी पुंडरी काक्षो सबाई आप आगे बढ़िया तो। हम आम है अरे सौरव बढ़ा देना तो सौरव बाबा बोल जा अल्लाह आप पवित्रो पवित्रो वा कुछ डाल दे बालका कुछ पहले ले कोई चलो ले लिया देखो अंदर द्वार आदरादर शाम पुष्टाम परिश्रम श्रीम सर्वोता नाम ताम्याम पूष्यम नमो ब्रह्म रूपाय को ब्राह्मण इताचा ले उनके पैर में कुछ छोड़ दोनों ने फटाफट तिलक करो ले अरे हल्दी रोली फिर चावल अंदर द्वार आदरादर शाम पुष्टाम परिश्रम श्रीम सर्वोता नाम ताम्याम पूष्यम जय भक्त क्यों अभी वीडियो पहले तो बन जाने दो नाम।
फटाफट चला रहे बेटा काम कर रहा माधव चलो सही है यार गुप्ता जी ने मालूम हो रहा है गुप्ता जी बुला लो ये का धर खा ले चलो जो हो तो ने दिलाओ पर चलो निशार कर दियो ले ये बता था इन्हें दे ये का धर ले लो रोक लो अपने खिलाए दो दे दो बस निशार कर दे ना चल पैसा दे जो ना ना बुलाए कौन है अरे भाला को तुम चाहिए मत हाँ यही दक्षिणा मिली कपड़े मिले वेरी गुड हाँ भाई कपड़े मिले कपड़े हाँ क्या मिले कपड़े में कुर्ती मिली कुर्ती लगी अरे वाह क्या बात आपको अभी पहनाम है हम तो भाभी अच्छा, है अच्छा 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 ये अच्छा अच्छा यहाँ मंगल गीत हो रहे हैं ये कौन सा गीत गा रहे हैं कुछ आपको समझ में आ रहा है ये जो लोकगीत चल रहा है आपको समझ में आ रहा है जी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये मुझे ऐसा लग रहा है ये भात गीत चल रहा है
अरे भैया अरे जौना करो अरे दैया अरे पैसा ना मिले पैसा ना मिले लड्डू खाओ पैसा ना मिले लड्डू खाओ पैसा सही तो मिले चलो काले हो निशान क्या हो गया निशान करा भाई क्या करा और कोई नहीं हो भाई चलो बैठो अच्छा और काम आगे बढ़ा काम कोई और हमारे पास माने हाँ पास है अरे इधर देखो चेहरा घालो थोड़ा देखो इधर सब लोग देखो इधर पुरानी चांदी का भाव ले रहे पैसा उठा लीजिए तो ये जो भात का प्रोग्राम है काफी देर से चल रहा है तो अभी कौन कौन लोग इसमें वो कर हिस्सा ले रहे हैं मामा अपने भांजे को पहले तो मामा कर चुके मामा अब मामा अपने मामा या भाई बहन अपने भाई बहन बहन को बहनों की बात पहनता अच्छा अब ये कौन पहना रहे हैं जो मामा ही हैं जो पहना रहे हैं अच्छा ये भी मामा हैं हाँ लड़के के मामा मनोज के मामा हैं ये अच्छा कौन से वाले मामा है हमारे मनोज के कुल कितने मामा हैं मनोज के बहुत मामा हैं सात मामा हैं सात हम तीसरे हैं आप तीसरे हैं हाँ मैं अच्छा तो आप भी पहनाएंगे मैं पहना चुका हूँ इनके बाद तीन तीन मामा और अभी आएंगे ये चार नंबर चार अच्छा 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 ये बढ़िया है इसीलिए कार्यक्रम लंबा चल रहा है बिल्कुल बिल्कुल ये G5 स्टूडियो के सौजन्य से ही बन रहा है कार्यक्रम ये देखिए एक लड़का बहुत सुंदर ड्रेस पहन के आया है अभी ये दूल्हे का छोटा भाई है कान में मोबाइल लगा हुआ है जाओ भैया जाओ हाँ जी अब बताएं अब ये क्या प्रोग्राम है शीलर चल रहा है इसमें क्या होने वाला है आगे आप देखो हैं पता नहीं साड़ी है तो पहनी जाती है साड़ी साड़ी ये पहनेंगे चुनरी वाली ये नहीं दुल्हन पहनेगी अच्छा दुल्हन पहने ना नहाएंगे खोल ले जाओ मामी खोल ले अब तो दिखाई ना दे रहा बिल्कुल कार्यक्रम है नियम कानून बताए हाँ जी क्या नियम है
जो है ना पूरी रख रहे। अच्छा ले बुला बोलिए कौन तो बाबरी हमारा फोटो नहीं लिया था उनसे आपने। हेलो आप इधर आइए। मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं अब आप आ जाइए। फेस करो भाई नहीं बुला कर अरे एक दिन और हाथ लगा ले भाई बोला ना देखा बोला भाई ना भाभी कैसे देने का इधर है वो सब कर रहा क्या बात है। गोइंग टू मैरिज मन्नु दी वेडिंग सी सी जी गुड सिनेरियो तुम देखो लूंगा आओ पानी पी लो। अरे यार पुड़िया का पानी पी लो। इसमें हम पीछे का बैकग्राउंड भी ले रहे हैं। जी जी बैकग्राउंड आई है जी चल रही है पीछे। Oh.
शर्मा जी जी कैसा फील कर रहे हैं? बढ़िया देख रहा है। डीजे सामने बैठा हुआ है, राजकुमार बैठा हुआ है। राजकुमार राजा है। राजा है आज, ये राजा है आज, ये राजा है। बोलिए राजा भाई बैठा हुआ है हमारा। हाँ। और लाल भाभी लेके जाएंगे। हाँ। और खूब धूम मचाएंगे। हाँ। और यहाँ से डांस करेंगे। ओके हाँ, थोड़ा सैंपल हो जाए। अरे तरह की आओ तरह की चलो अब अब एक बार इनका इंटरव्यू ले लो खत्म। अरे नहीं इंटरव्यू ऐसे चेहरा नहीं नहीं कोई इंटरव्यू नहीं टाइम है अभी इंटरव्यू होता हुआ। इधर देखो चेहरे पे मुस्कान थोड़ी सी। स्माइल प्लीज बताएं स्माइल। बेटा शादी ब्याह में ऐसा होता है सब समझते हैं, यहाँ कुछ नहीं है और ज्यादा होता है सब समझते हैं। पाँच मिनट के टाइम में कुछ भी गलत नहीं। हाँ जी अरे सर मत हो हम जल्दी जल्दी निपटाते हैं। अरे बोलिए दो शब्द जल्दी से। आप बोलिए। सही है बहुत बढ़िया है। हाँ सही मौज मस्ती करेंगे और क्या। आप भी बोलिए। अच्छा लग रहा है आप भी बोलेंगे। लाइट गड़बड़ है। हाँ जी काफी अच्छा लग रहा है। चलो अब आप नीचे बैठ लो। एक मिनट ये देखो गैदरिंग। वाह क्या बात है क्या बात है। भैया आ जाओ ऊपर आ जाओ भैया। कैसा लग रहा है? फाइन है वेरी फैंटास्टिक। हाँ एंड गुड सीनियर यू। एम्बियंस कैसा है? वेरी गुड।
चलो अपना नाम बताओ। इंद्रेश शर्मा। क्या करती हो वो बताओ, अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताओ। मैं सुश्री शिशु मंदिर एवं विद्या मंदिर में पढ़ता हूँ, कक्षा 8 का छात्र हूँ। और बस हाँ भाई, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? हैं पगलेट काट रहे हो? नहीं। लो बोलो कहाँ हो? हम ये इस वक्त एक इसे बोलते क्या है, मुंह इधर करके। हम लोग वापसी जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। हाँ, कहाँ से लौट रहे हैं? बरेली से। और पीछे कौन खड़ा है इधर? हाँ भाई, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? ठीक रही, थोड़ा रेस्ट हो रहा है। ये तुम्हारी बस है जिसमें वापस जा रहे हो? ठीक है। हाँ ठीक है। और कुछ कहना है तो जल्दी जल्दी कहो। नहीं।